दुनिया में जब एक्वेरियम हॉबी शुरू हुआ था तब से शायद एंजल फिश हॉबी में है। एंजल फिश का जो नाम दिया गया, जिसने भी दिया है, सही दिया है। वो परियों के जैसा, उसके फिन्स लंबे, स्लो मेजेस्टिक ग्रेसफुल मूवमेंट्स, आराम से शांत। एंजल फिश उसका नाम ना फिट है। एंजल फिश सिक्लिड स्पीशीज का है, अफ्रीकन सिक्लिड्स आपने देखा है ना। वही स्पीशीज का है लेकिन सिर्फ साउथ अमेरिका में मिलता है और कहीं पे भी नहीं। और साउथ अमेरिका के जो अमेजॉन रिवर बेसिन है, पूरा ऑलमोस्ट अमेजॉन रिवर में हर जगह में आपको एंजल फिश कुदरती मिलता ही है। अमेजॉन रिवर छोड़ के और कोई रिवर में नहीं है वर्ल्ड में, सिर्फ साउथ अमेरिका के अमेजॉन रिवर में ही है। अफ्रीकन सिक्लिड्स थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी एंजल फिश अगर अफ्रीकन सिक्लिड्स को कंपेयर करते हैं तो एग्रेसिव नहीं है, बहुत शांत, बहुत आराम से घूमता फिरता रहता है, इधर उधर खाना खाएगा, मस्त रहेगा एंड बहुत ईजी टू कीप एक्वेरियम में। एंजल फिश आपके एक्वेरियम में कैप्टिविटी में 10 साल तक रह सकता है, 10 साल, ठीक है, अगर आप कंडीशंस करेक्टली प्रोवाइड करें तो। और वो कंडीशंस क्या है, एक इनको थोड़ा हाइट चाहिए टैंक में, ठीक है, बिकॉज ये लंबा है, फिश लंबा है, उनका फिन्स बढ़ता है, ठीक है, यूजुअली ऐसा फिन्स बढ़ता है तो लंबा टैंक बेटर है। अगर 1.5 feet, 2 feet टैंक है तो बहुत सुंदर आएंगे, उनको ज्यादा ब्रॉड नहीं लगता है, टॉल लगता है। छोटे टैंक्स में मत रखो, ठीक है, मिनिमम एक 60 liter टैंक, मतलब 2x1x1 मिनिमम, उससे बड़ा है तो एंजल ज्यादा सुंदर होगा। एक 2x1 टैंक में आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 एंजल रख सकते हैं, वो भी छोटे साइज के, अगर बड़े हैं तो सिर्फ 2। ओके, एंजल यूजुअली एनीवेयर फ्रॉम 23-24 डिग्री से लेके 28-29 डिग्रीज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आराम से रहते हैं। हाँ, अगर कम टेम्परेचर है तो उनको एक्लेमेटाइज करो, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बीमारी के बारे में बात करेंगे, देखते रहो। पानी साफ होना चाहिए, क्लोरीन रहित होना चाहिए, पीएच एसिडिक होना चाहिए, सॉफ्ट वाटर होना बेटर है, थोड़ा बहुत हार्डनेस में चलेगा, तो मतलब पीएच 6.5-7 नो प्रॉब्लम, ओके 7 के अंदर, और अगर थोड़ा वाटर हार्ड है तो चलेगा। तो मेजर इंडियन सिटीज में एंजल फिश आराम से रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजल फिश को ज्यादातर प्लांटेड एक्वेरियम में रखना बेटर है, ओके, टॉल ग्रास, टॉल लीफ प्लांट्स, ब्रॉड लीफ प्लांट्स, ठीक है, बिकॉज उनको आदत है वो बीच में घुस के हंट करना, घूमना, उनको एक सेफ्टी लगता है,
ग्रास के बीच में सबसे ज्यादा सुंदर भी दिखते हैं और उनको स्ट्रेस नहीं होता है। ओपन टैंक्स में स्ट्रेस हो जाते हैं और देखा गया है कि वो जाके पीछे छुपेंगे या हाइड करेंगे, कोने में जाके छुपेंगे, ये सब स्ट्रेस का इंडिकेशन है। एंजल फिश बहुत वैरायटी का खाना खाएगा, ड्राई फूड से लेके, ड्राई वर्म्स से लेके, ट्यूबिफिक्स वर्म्स, लाइव वर्म्स, श्रिम्प के बच्चे, छोटे फिश के बच्चे, बहुत वैरायटी के खाना खाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो अगर आपके पास एंजल फिश है तो वैरायटी ट्राई करो ना, एक दिन वो ड्राई वर्म्स दे देना, एक दिन थोड़ा पाउडर फूड दे देना, और अगर अच्छे क्वालिटी के वर्म्स मिलते हैं, ट्यूबिफिक्स वर्म्स, वो देना। काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे टैंक में व्हाइट कलर के वर्म्स है, यू नो, ये सब एंजल फिश खा लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि था। जैसे अभी ये आपको अंदर वाला दिख रहा है, वो ढूंढ रहा है, खाना ढूंढ रहा है, और श्रिम्प के बच्चे कुछ मिला होगा खाएगा, या छोटा वर्म कुछ मिला होगा खाएगा। बहुत ही वैरायटी फूड खाते हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। एंजल फिश के साथ आप टेट्राज रख सकते हैं, रासबोराज रख सकते हैं, और गपीज, मॉलीज, ये सब चलेगा। जब आप कोई टेट्रा टैंक में एक दो एंजल रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये टेट्राज स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, स्कूलिंग, बिकॉज उनको सेफ्टी इन नंबर्स, झुंड में ज़्यादा सेफ लगता है टेट्राज को, और उनको लगता है एंजल अटैक करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक अनदर इंटरेस्टिंग आइडिया है। बट ज़्यादातर बार्ब्स मत रखो, बिकॉज इनके फिन्स बड़े हैं तो बार्ब्स इनके फिन्स काटेंगे। और एंजल फिश को गोल्ड फिश के साथ मत रखना, ये गोल्ड फिश को काटेगा, बिकॉज ये गोल्ड से भी थोड़ा एग्रेसिव है, ये समझना जरूरी है। हाँ, ये सिक्लिड स्पीशीज है तो जाके अफ्रीकन सिक्लिड के साथ, ऑस्कर के साथ ऐसा मत रखना, पैरेट के साथ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो इसको काट देंगे, ये बहुत स्लो है ना। अभी एंजल फिश टेरिटोरियल होते हैं, मतलब मेल फीमेल जो है वो मोनोगमस है, मतलब एक टाइम में एक ही फीमेल, उससे ज्यादा अगर टैंक में हो भी तो उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, बट वो टाइम में एक ही फीमेल के साथ मेट करेंगे और वो एरिया को गार्ड करेंगे। बहुत टेरिटोरियल होते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, एक मेल एक फीमेल साथ में रहेंगे, ठीक है, बाकी सब फिश को भगा देंगे। एंजल फिश एक्वेरियम्स में बहुत ही इजीली ब्रीड हो जाते हैं, अगर पानी का क्वालिटी अच्छा है, फिल्ट्रेशन अच्छा है, अमोनिया लेवल्स नहीं है, तो इजीली ब्रीड करते हैं। और यूजुअली ऐसा ग्लास के सरफेस पे या कोई भी स्मूथ सरफेस पे अंडा डालेगी फीमेल और मेल उसको फर्टिलाइज करेगा। और उन अंडों को पेरेंट्स दोनों सेफगार्ड करते हैं, संभालते भी हैं। और अगर फ्राई होता है तो उनको भी संभालेंगे। बट याद रखो, कम्युनिटी टैंक में जहां एंजल छोड़ के कोई दूसरा फिश है, जैसे टेट्राज है, तो वो अंडा खा लेंगे
और ज्यादातर बच्चे होते नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पैर ब्रीड हो रहा है तो उनको अलग कर लो, अलग टैंक में रखो, एयर पंप डालो, कोई स्मूथ सरफेस स्लेट या टाइल का पीस या ग्लास का पीस रखो, उसमें अंडा डालेंगे। और ये अंडे कैसे बच्चे होते हैं और उनको क्या खिलाना है वो संक्षेप में अलग सा वीडियो करेंगे, ब्रीडिंग वाला वीडियोस बहुत बनना है, बनाएंगे। अभी के लिए इतना समझ लो। तो ब्रीडिंग के बारे में मैंने बोला, लेकिन मेल फीमेल कैसे समझे? बहुत इजी है एक्चुअली। एंजल फिश में आप ये देखो, मेल में थोड़ा बल्की बॉडी रहेगा, राउंडिश, सर पे थोड़ा हंप जैसा रहेगा, हल्का सा, ठीक है। और इनके जो फिन्स रहते हैं ना, जो लंबे वाले, ये वाले जो नीचे, उसमें नीचे फोर्क होगा, फोर्क ऐसा कटिंग होगा, ये ज्यादातर इंडिकेशन। फीमेल थोड़ा और स्लीक होगा, पतला, वो हंप नहीं रहेगा और वो फिन पूरा रहेगा, वो फोर्क या कटिंग नहीं रहेगा, ठीक है, वो ब्रेक नहीं रहेगा। अगर आप देखोगे तो ये शायद फीमेल है और ये मेल है, इसका हम्प दिख रहा है आपको, अभी छोटे हैं, बड़ा होगा तो ज्यादा दिखेगा, ठीक है। ज्यादातर एंजल फिश हार्डी होते हैं, उतना इजीली बीमार नहीं पड़ते, बट इनमें कॉमन बीमारी व्हाइट स्पॉट्स या एक फिन रॉट। ठीक है, ब्लोट, यू नो, या एयर ब्लैडर का इश्यू, ये सब आता है पानी गंदा होने से। पानी साफ रखो, अमोनिया बिल्डअप ना होने दो, फिल्ट्रेशन में बायोमीडिया डालो, बैक्टीरिया डालो, साइक्लिंग करो फिश लाने से पहले। जितना पानी साफ होगा उतना फिश अच्छा होगा। खाना जब आप डालते हो तो ज्यादा खाना मत डालो, जितना वो खा ले उतना डाल देना। और अगर प्लांटेड टैंक में है तो दिन में एक बार भी चलेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं वो, ऐसे ही नहीं बैठते, वर्म्स, श्रिम्प के बच्चे कुछ ना कुछ खाएंगे, जरूर खाएंगे। और अगर आप फ्लेक्स या ड्राई फूड ऐसा कुछ डाल रहे हो और कचरा नीचे है तो प्लीज उसे साफ करो, ठीक है। कचरा जितना बिल्डअप होगा, बिकॉज इनका भी वेस्ट हो रहा है, आपने भी खाना डाला वो भी वेस्ट हो रहा है, ये सब अमोनिया बिल्ड होने के चांसेस है, लक्षण है। और अगर अमोनिया बिल्ड होता है तो पानी साफ नहीं रहेगा, क्लाउडी रहेगा और फिश बीमार पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। अदरवाइज नेचुरली हार्डी फिश इजी टू कीप। इनके लिए प्लांटेड टैंक में अगर आप वाटर चेंज वगैरह कर रहे हो तो वीकली 50% वगैरह ठीक है। ब्रीडर्स ऑलमोस्ट डेली 50% करते हैं, बिकॉज उनको बहुत साफ चाहिए और वो वाटर चेंज के वजह से वो ब्रीडिंग भी इंप्रूव होता है, ठीक है, और बच्चे भी अच्छे निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टैंक में बच्चे हो जाते हैं, हो सकता है कि आपके टैंक में सिर्फ दो एंजल है, मेल फीमेल, और बच्चे हो भी जाते हैं, तो आप ब्राइन श्रिम्प, डैफनिया, एग योक, अंडे का येलो थोड़ा सा पानी में मिला के बच्चों को खिलाओ, ड्रॉपर में डालो, ये सब पॉसिबिलिटीज है। हम आगे के वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे। प्लांटेड टैंक में एंजल फिश बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, यू नो, वो जब प्लांट्स के बीच में से निकलता है तो क्या दिखता है, बस क्या सुंदर दिखता है। एंड एंजल फिश के लिए भी प्लांटेड टैंक बहुत सूट होता है,
बिकॉज वो नेचुरल है. आप एंजल फिश को ब्लैक वाटर सेटअप या यू नो ड्रिफ्टवुड सेटअप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, बहुत आराम से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुंदर भी दिखेंगे. एंजल फिश में बहुत सारे वैरायटीज है और नए वैरायटीज आ भी रहे हैं, ठीक है. जैसे कि ये वाले, इसको बोलते हैं ब्लू एंजल, ठीक है. फिर है टक्सीडो एंजल, सिल्वर एंजल, ये वेल टेल जो है, काफी सारे एंजल स्पीशीज में टेल जब वेवी होता है तो वेल टेल बोलते हैं, सुपर वेल टेल. रेड आई, रेड आई रेड कैप, कोई एंजल, जीब्रा एंजल, गोल्ड एंजल, मार्बल एंजल, हाफ ब्लैक, एल्बिनो, पर्ल स्केल, बहुत वैरायटीज है, ठीक है. बट इन सब वैरायटी का बाप एक है, उसको बोलते हैं एल्टम एंजल. एल्टम, A-L-T-U-M. एंजल फिश में सबसे बड़ा, ओके, या सबसे लंबा, सबसे टॉल. एल्टम एंजल्स कहते हैं कि ऑलमोस्ट 1 फीट ग्रो कर सकता है, टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम 1 फीट बड़ा होता है. बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है. सेम मेंटालिटी, सब कुछ खाएगा, ठीक है, लेकिन उसको रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत एक्सपेंसिव है, और उसको रखने के लिए कंडीशंस बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए. मार्केट में एल्टम एंजल्स मिलते हैं, बिना जानकारी के लोग खरीद के भी आते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है. जानकारी लो पहले. कुछ फिशेज एग्जॉटिक होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. अगर आप रेडी हो उसको संभालने के लिए, उसके हिसाब से टैंक, फिल्टर, सब कुछ बनाने के लिए, तो एल्टम एंजल्स रखना. एल्टम एंजल्स का एक सीक्रेट बताऊं, किसी को बोलना मत. एल्टम एंजल्स प्लांटेड एक्वेरियम में मस्त रहेंगे, विदाउट प्रॉब्लम. एक्चुअली आइडियल कंडीशन है एल्टम्स के लिए. अगर प्लांटेड एक्वेरियम आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो तो एल्टम्स के लिए बेस्ट. किसी को बोलना मत. ये जो नॉर्मल एंजल्स है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ओके, एंड इजीली अवेलेबल, मैंने बोला भी है, हर एक दुकान में, हर एक पेट शॉप में मिल ही जाता है. एंजल फिश को खरीदते टाइम हमें क्या देखना है, ओके, एज ऑलवेज फिन्स अच्छा होना चाहिए. कट फिन्स नहीं होना चाहिए, बॉडी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, पेट अंदर गया है तो प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा वो बल्किनेस होना चाहिए, शाइन होना चाहिए बॉडी पे, बहुत सुंदर दिखना चाहिए. और अगर जब हम हाथ डालते हैं तो मूव होना चाहिए, आपके हाथ की तरफ आना चाहिए. अगर ऐसे ही बैठा है तो मत लेना, कितना भी सुंदर हो. ये सब जानो, देखो. नाउ शॉप्स में ब्लू लाइट, ब्लू बल्ब या रेड बल्ब, रेड लाइट डालते हैं इसको कलर बढ़ाने के लिए. आप जब शॉप जाओगे तो शॉपकीपर को बोलो लाइट ऑफ करो, व्हाइट लाइट लगाओ, तब जाके इसका असली कलर दिखेगा. इसका असली क्वालिटी भी दिखेगा, ठीक है. ये एक नुस्खा है, शॉपकीपर्स मेरे पे गुस्सा होने वाले हैं, बट ये सही तरीका है, ठीक है. हमेशा अगर शॉपकीपर ने कोई नाम बोला तो फोन हमेशा हाथ में रहता है, गूगल करो ना, चेक करो वो करेक्ट है क्या, मैच हो रहा है क्या, इंफॉर्मेशन क्या है. क्योंकि कुछ एंजल स्पीशीज थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, कुछ काम रहते हैं,
वो थोड़ा डिफरेंस रहता ही है हर एक स्पीशीज में, ठीक है, तो वो आपको जानना जरूरी है। तो जब आप दुकान जाते हो खरीदने के लिए, ये थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है, थोड़ा होमवर्क होना जरूरी है। तो ये था ओवरऑल एक एंजल फिश के बारे में, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज्यादा डिटेल नहीं है, डिटेल भी करेंगे, ब्रीडिंग का भी वीडियो बनेगा, ये सब बेटा फिश ब्रीडिंग, डिस्कस ब्रीडिंग, एंजल ब्रीडिंग, ये सब के वीडियोस बनने वाले हैं, ठीक है। टाइम लगता है, अर्जेंट मत करो, आप मैसेज तो आप मैसेज डाल देते हो, मैं देखता भी हूं, बट अगर आपको अच्छा वीडियो चाहिए तो आपको पेशेंस हो, आप थोड़ा पेशेंट रहो, मैं मस्त वीडियो दिखाता हूं, गुड क्वालिटी विथ गुड इमेजेस विथ करेक्ट इंफॉर्मेशन, ओके। बहुत जल्दी ऐसे ही एक इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्कस के लिए भी आ रहा है, इंडियन प्लांट्स के लिए आ रहा है, ओके, जो प्लांट्स हमें इंडिया में मिलता है और हम जाके अगर वाइल्ड में देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, हमको क्या देखना है, ये सब डिटेल वीडियो आएगा बहुत जल्दी, ये सब होने वाला है, ओके, पेशेंस एंड प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ये जरूरी है यार, हमारे लिए मोटिवेशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू नो मैं सोचूं कि यार छोड़ो ना यार क्यों बनाना है वीडियो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब होगा, आप शेयर करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, एंड मैसेज करते रहो, मैं आज तक हर मैसेज रिप्लाई कर चुका हूं और आगे भी करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एक और लास्ट पॉइंट, बहुत सारे लोग डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मेरा ऑफिस का नंबर है, प्लीज उसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, और जो भी मैसेज है छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा जरूर, ओके। तो आशा करते हुए कि आपने आज भी ये वीडियो भी पसंद किया, इंफॉर्मेशन अच्छा था, आपने कुछ सीखा और मजा लिया, तो मेरे तरफ से एंड कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर। एंजल फिश हो, गोल्ड फिश हो, बाब्स हो, उन सब के लिए ना पानी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप मछली नहीं रखते हो, आपका ड्यूटी है पानी साफ करना, मछली खुद जी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको, ओके, बाय बाय। ठीक है, और कैसे अंडा फ्राई होता है इजीली, क्या खाना हो, अंडा फ्राई नहीं होता है, और ये अंडे कैसे बच्चे होते हैं, और